टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। तो आज बेसिकली देखेंगे कि हमारे पेल्विक फ्लोर पे कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पेल्विक फ्लोर होता है वो आपको दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइडेड होता है जो कि एक मिड लाइन से कनेक्टेड होता है, ठीक। और ये मिड लाइन जो है वो दोनों पार्ट्स को आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब सेम मसल्स दोनों साइड्स में प्रेजेंट होते हैं और इसमें मेनली फैसिया और मसल्स होते हैं। तो यहाँ पे मेनली दो आपके मसल्स प्रेजेंट होते हैं, पहला है लिवेटर एनी और सेकेंड है कॉकीजिनस। जो लिवेटर एनी होता है वो आपका ब्रॉड होता है, फ्लैट मसल्स होता है जो कि पेल्विक फ्लोर का एंटीरियर पार्ट फॉर्म करता है। मतलब जैसे ये आपका पेल्विक पोर्शन है तो इसका जो बाहरी हिस्सा है वो जो मसल्स फॉर्म करते हैं वो है लिवेटर एनी। ये आपके पेल्विस के इनर पार्ट से आपको ओरिजिनेट करते हैं और जो मिड लाइन होती है वहां जाके ये आपके यूनाइट हो जाते हैं और एक साथ मिलके ये मिड लाइन और जो पेल्विक फ्लोर के दोनों साइड के मसल्स होते हैं, मतलब लिवेटर एनी, ये आपको एक स्लिंग फॉर्म करते हैं जो कि आपके पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेकेंड जो मसल है वो है कॉकीजिनस। कॉकीजिनस जो है वो आपको एक ट्रायंगुलर शीट होती है मसल्स की, इस तरह की ट्रायंगुलर शीट होती है मसल्स की और टेंडिनस फाइबर्स की जो कि आपके लिवेटर एनी, मतलब ये जो मसल्स होता है जैसे ये एंटीरियर पोर्शन फॉर्म कर रहे हैं इसके अंदर इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक। ये आपके जो मीडियल पोर्शन होता है इस्कियम का वहां से ओरिजिनेट करता है और सैक्रम और कॉकिक्स में जाके आपका वो क्या होता है इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका इस तरह से ये कंप्लीट आपका जो पेल्विक फ्लोर है वो फॉर्म करते हैं और जो कि परफोरेटेड होके आपको मेल्स में यूरेथ्रा और एनस का फॉर्मेशन करते हैं और फीमेल्स में यूरेथ्रा, वजाइना और एनस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था अबाउट आपके पेल्विक फ्लोर में कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।